हेलो स्टूडेंट्स क्लास इंग्लिश मीडियम साइंस स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। कल हमने फोर्स के बारे में डिस्कशन किया था, पता है फोर्स क्या होती है, उसके बारे में डिस्कशन किया था, यूनिट्स वगैरह डिस्कस की थी। उसके अलावा एक फॉर्मूला भी डिस्कस किया था जिसमें F इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी, कुछ ऐसा फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल अपॉन टी, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला था जिसमें F था फोर्स, M फोर्स इन न्यूटन, टाइम में आपको इंक्रीज करना है। मैं इसके दो एग्जाम्पल सेव के वाला दो बार समझ
एसडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड 5 इनटू vf के अंदर फाइनल वैल्यू या फाइनल स्पीड, फाइनल स्पीड कितनी है, यहां से अपन ने इंक्रीज करते हुए यहां लेके गए तो यहां स्पीड फाइनल है, फाइनल स्पीड कितनी है 10, तो 10 माइनस vi का इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकंड, देन 2 अपॉन टाइम साइन कितना है vi 5 सेकंड देन 5, तो कैलकुलेट करते हैं k इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 2 8 अपॉन 5, 5 टू 5 कैंसिल देन आंसर है 8 न्यूटन। मुझे कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा तब जाके मैं कह सकता हूं कि जो 5 सेकंड में इसका स्पीड 2 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड करना है 5 के स्क्वायर रूट का, तो मुझे 8 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको नोट करो फटाफट, ये बात तो क्लियर करेक्ट। वीडियो को फिर से नोट कर सकते हो, दूसरा अपना एग्जांपल देखें। सेम टाइप का एक और एग्जांपल, ये यहां से कम समय में तुमसे आगे निकलना है, तो तुम्हें तेज और
तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट कैलकुलेट करके निकाल सकते हो और इस चीज को थोड़ा समझ लो।